नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। जस हिंदी के खास कार्यक्रम स्टेट टॉक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपसे स्टेट टॉक होगी 2019 के चुनाव पर। जी हां, वो मुद्दा, वो इशू जो लगातार चर्चा में है, क्या होगी 2019 लोकसभा चुनाव की तस्वीर, आपसे स्टेट टॉक होगी। आपसे स्टेट टॉक होगी, क्या एक बार फिर से देखने को मिलेगी मोदी की लहर, जिस तरीके की लहर 2014 में देखने को मिली थी। आपसे स्टेट टॉक होगी कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा जो उन्हें टक्कर दे पाएगा। आपसे स्टेट टॉक होगी कि क्या राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे। आपसे स्टेट टॉक होगी कि क्या मोदी के खिलाफ महागठबंधन होगा और उस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां होंगी। आपसे स्टेट टॉक होगी कि मोदी किन सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि एनडीए का भी एक बड़ा कुनबा है। 2019 में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी आपसे स्टेट टॉक होगी। कौन कौन से मुद्दे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए निर्णायक रहेंगे, इस पर भी आपसे स्टेट टॉक होगी। और सवाल ये भी कि क्या जात पात और धर्म की राजनीति तमाम मुद्दों पर हावी रहेगी। आपसे स्टेट टॉक होगी कि 2019 में एक पूरी की पूरी तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आने वाली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, डायल करके कार्यक्रम में अपनी राय शामिल करवा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मुद्दों के ऊपर जनता के बीच में एक राय शुमारी होनी बहुत ज़रूरी है, उनके बीच में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार निर्णायक जनता है, निर्णायक वोटर हैं। आप लोगों का क्या मानना है इन तमाम सवालों को लेकर, और 2019 को लेकर आपके जहन में कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है। आपने पिछली सरकारों के कामकाज को भी देखा होगा, इस सरकार के कामकाज को भी देखा होगा, किस तरीके से आंक रहे हैं, और जो आज राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने उभरा है उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है। आप भी हमें कॉल कीजिए, राय दीजिए, आपकी आवाज़ तमाम दर्शकों तक पहुंचेगी, देश और दुनिया में जो हमारे तमाम व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचेगी, और ये एक तरीके से आपकी राय नहीं होगी, ये एक तरीके की राय शुमारी होगी 2019 के लिए, क्योंकि 2019 पर चर्चा 2014 से ही शुरू हो गई थी, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये शायद पहला ऐसा चुनाव होगा देश में कि 5 साल बाद की चर्चा जस चुनाव होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ना रहे, टीवी स्टूडियो में ना रहे, आप लोगों के बीच में भी ये चर्चा होनी चाहिए, आप लोगों को भी एक मंच मिलना चाहिए जहां पर आप अपनी राय दे सके, और ये आपका मंच है, आप लोगों की राय आमंत्रित है। 2014 आप लोगों को याद होगा, ठीक उसके बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि सरकार का कामकाज क्या कुछ रहेगा, आंकना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन साथ ही साथ एक और चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर 2019 में क्या होगा। इसलिए हम भी आज भी ये चर्चा कर रहे हैं, और लगातार एक अंतराल के बाद ऐसी चर्चा करते रहेंगे ताकि एक राय शुमारी निकल कर सामने आती रहे, एक राजनीतिक समझ बने लोगों की, क्योंकि वोट देने से पहले राजनीतिक समझ बनना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमारी कोशिश ही रहेगी कि आप लोगों को ये मंच दिया जाए, आप लोगों के विचार हमारे साथ साझा हो। जी हाँ, आज हम सीधे 2019 पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर वक्त वक्त पर चर्चा होती रहती है, क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चा का बड़ा मुद्दा है, और अब चुनावी साल है, 2019 में तो आम चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले 4 बड़े राज्यों में बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जनता के बीच में ये एक राय शुमारी हो, ये चर्चा हो, क्योंकि सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, उनके बीच में तो रस्साकशी चलती रहती है, जोर आजमाइश चलती रहती है, उसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, लेकिन जनता का क्या स्टैंड है, जनता इस पूरी की पूरी रस्साकशी को, जोर आजमाइश को कैसे देख रही है, ये चर्चा हम कर रहे हैं। और आज ये चर्चा क्यों हो रही है, इसकी भी एक बड़ी वजह है कि विपक्षी गठबंधन ने,
एनडीए से ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में आज मात खाई है। उपसभापति का जो चुनाव है वो विपक्षी गठबंधन हार गया है, वो भी तब जब बड़ा संख्या बल विपक्ष के साथ खड़ा बताया जा रहा था। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार हरिवंश को चुनाव मैदान में उतारा गया था। हरिवंश सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को मात दे दी। हरि वर्सेज हरि में एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। राज्यसभा उपाध्यक्ष के मतदान के दौरान कुल 244 राज्यसभा सदस्य में से 232 सांसदों ने हिस्सा लिया। इसमें 125 सदस्यों ने हरिवंश सिंह को वोट दिया, जबकि कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को 101 वोट ही मिले। दो सदस्य वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे, ये कांग्रेस के सदस्य थे। अलग अलग वजह बताई जा रही हैं कि ये क्यों गैर हाजिर रहे, और 16 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वॉकआउट कर दिया। ये वो लोग थे जो नहीं दिखाना चाहते थे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं या फिर हम यूपीए का हिस्सा हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए बहुमत के आंकड़े से दूर था, लेकिन विपक्ष के सभी दलों को मिलकर बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें उनके पास थी। बावजूद इसके एनडीए की जीत ने मोदी के खिलाफ जो तथाकथित विपक्ष की एकता थी, एक गठबंधन तैयार हो रहा था, उसकी पोल खोल कर रख दी। एनडीए के पास राज्यसभा में 95 सदस्य थे। ऐसे में एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को साधने के साथ साथ विपक्ष को भी साध लिया, विपक्षी पार्टियों को भी इस तरीके से साधा कि उनके समर्थन में वोट किया गया। विपक्ष के एआईएडीएमके हो या फिर बीजेडी बीजू जनता दल हो या फिर टीआरएस हो, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया। इसे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि 2019 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो फिर आज की तस्वीर को देखकर एक कयास लगाया जा रहा है कि 2019 में ये जो तमाम दल आज बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ये 2019 में भी हो सकता है कि बीजेपी का साथ दे। क्योंकि कयास सिर्फ आज की तस्वीर को देखकर नहीं लगाया जा रहा, इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी एनडीए के उम्मीदवार को तीनों दलों जिसका जिक्र हमने किया, वो चाहे एआईएडीएमके हो, टीडीएस हो, और ये जो तमाम तीनों दल हैं, इन्होंने समर्थन किया था बीजेपी के उम्मीदवार का। विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसी मॉनसून सत्र में, उसमें भी एआईएडीएमके ने सरकार के पक्ष में वोटिंग की थी। तो वहीं बीजेडी का जिक्र हमने किया और टीआरएस का जिक्र किया, उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, ये भी एक तरीके से सरकार का ही साथ था। जी हाँ, तो ये जो विपक्षी दल माने जा रहे हैं, जब फ्लोर मैनेजमेंट की बात आती है, सदन के अंदर सरकार के खिलाफ जाने की बात आती है, सच में ही विपक्ष के रूप में खड़ा होने की बात आती है, तो ये विपक्ष के तौर पर खड़े होने के बजाय सत्ता पक्ष के साथ ज्यादा नजर आते हैं। तो संदेश साफ है कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत से दूर रहती है, तो फिर क्या इसी तरह से जो आज के दौर में विपक्षी दल कहलाते हैं वो एनडीए के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे? आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है डायल कीजिए। आप भी बताइए कि आपका क्या कुछ सोचना है 2019 को लेकर, जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है और एक जो तस्वीर उभर रही है उसमें आपकी क्या राय है, वो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। ये आपका मंच है, आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, और आपकी राय इस कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी है। आपसे स्टेट टॉक करने के लिए हम मंच सजाए बैठे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्टेट टॉक लगातार जारी रहेगा।